हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने नेटबीन्स का पूरा लुक एंड फील कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करेंगे नेटबीन्स आईडी का पूरा लुक एंड फील चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत दिन से नेटबीन्स को यूज़ कर रहे हैं, जब से आप सीख रहे हैं, इस पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बना चुके हैं, तो मे बी चांसेस है कि आप नेटबीन्स के डिफ़ॉल्ट लुक एंड थीम से बोर हो चुके होंगे। तो आप लोग क्या करते होंगे कि आप लोग टूल्स पे जाते होंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑप्शन का, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है अपीयरेंस का, और यहाँ पे लुक एंड फील का ऑप्शन है। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे जो लुक एंड फील का ऑप्शन है वो सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे निम्बस का ऑप्शन मिलेगा आपको, विंडो क्लासिक का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा आपने रिसर्च किया होगा, तो आप टूल्स में जाके यहाँ पे एक डार्क थीम दैट मीन्स ड्रैकुला का भी इस पर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट थीम है उनको हम यहाँ पे यूज़ करके नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबको पता है, सब लोग यूज़ कर लेंगे। ऐसे टूल्स में जाएंगे, आप थीम लुक एंड फील को चूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सटर्नल लुक एंड फील कैसे आप अप्लाई करोगे नेटबीन्स पे, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये कोई डिफ़ॉल्ट नेटबीन्स का लुक एंड थीम नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैक ओएस का थीम यूज़ कर रहा हूँ लुक एंड फील, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस बटन्स जो हमारे पास मिनिमाइज मैक्सिमाइज की बटन है और फिर क्रॉस बटन है। तो हम यही सारी चीज़ देखेंगे कि आपके पास और ऑप्शन कैसे बढ़ेंगे, कैसे आप अलग अलग तरीके लुक एंड फील यूज़ कर सकते हो नेटबीन्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी भी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं, इसमें हम दो चीज़ इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम अपने इन सारे फॉन्ट्स को चेंज करेंगे, नेटबीन्स के फॉन्ट को। ये जैसे ये वाला फॉन्ट लिखा है, ये फॉन्ट लिखा है, फाइल वाइल इन सब चीज़ का फॉन्ट चेंज करेंगे। एंड द सेकेंड वन हम क्या करेंगे, इस पूरे लुक एंड फील को चेंज करना सीखेंगे। तो सारा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो नेटबीन्स में है वो दो तरह के लुक एंड फील हैं। एक लुक एंड फील क्या, एक लुक एंड फील इस एडिटर का लुक एंड फील होता है, जिसको आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो। टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके, और यहाँ पे फॉन्ट एंड कलर अपने हिसाब से इसका फॉन्ट चूज कर सकते हो, फॉन्ट को बढ़ा सकते हो, फॉरग्राउंड बैकग्राउंड इफेक्ट्स अपने हिसाब से इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। और कुछ यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे मैं क्या करता हूँ, अपने इस एडिटर का थीम चेंज करता हूँ। देखिए, नेटबीन्स मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा ये एडिटर सिर्फ डार्क हो गया। इसका मतलब अगर हम यहाँ से कोई फॉन्ट बदलते हैं ऑप्शन में जाके, और यहाँ से अगर कोई भी फॉन्ट बदलते हैं, तो वो सिर्फ हमारे एडिटर का फॉन्ट कलर बैकग्राउंड चेंज होगा। दैट मीन्स आप इस एडिटर का थीम कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। लेकिन फ्रेंड्स, हमें इस एडिटर का थीम तो नहीं चेंज करना है, क्योंकि ये थीम तो आप लोग भी चेंज कर लोगे अपने हिसाब से, ऑप्शन में जाके यहाँ पे चेंज कर लोगे, फॉन्ट चेंज कर लोगे, बैकग्राउंड फोरग्राउंड चेंज कर लोगे, कुछ थीम अलग से इंपोर्ट कर लोगे। हम चेंज करना चाहते हैं इसका फॉन्ट, हम इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं या इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं। दैट मीन्स हम पूरे लुक एंड फील, नेटबीन्स का जो लुक एंड फील है, दैट मीन्स विंडो डायलॉग इन सब चीज़ का फॉन्ट, फाइल एडिट व्यू नेविगेट सोर्स इन सब का हम चेंज करना चाह रहे हैं फॉन्ट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फॉन्ट चेंज करके देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग थीम को चेंज करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, एक सिंपल, पहले हम नेटबीन्स को मिनिमाइज कर देते हैं। तो हम लोग को एक सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है, इस पर मैं कुछ कमांड टाइप करूंगा, फिर वो कमांड को हम लोग को एक जगह पर लगाना होगा, फिर आपको बताऊंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे डैश डैश फॉन्ट साइज, और फिर आपको जितनी भी फॉन्ट साइज चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोग को दिखाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ फॉन्ट साइज यूज़ कर लेता हूँ 25। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं नेटबीन्स का शॉर्टकट है, ये एक्चुअली शॉर्टकट है। ये किस चीज़ का शॉर्टकट है ये भी मैं दिखा देता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ और ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, तो ये इस चीज़ का शॉर्टकट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, फिर हम लोग को यहाँ पे दिखेगा टारगेट, और टारगेट में आपको दिखेगा नेटबीन्स 64.exe फाइल। इसके आगे आपको जो आपने वहाँ पे कमांड लिखा था डैश डैश फॉन्ट साइज, हम लोग क्या करेंगे उसको पेस्ट कर देंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेटबीन्स को एक बार क्लोज करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे नेटबीन्स को फिर से ओपन करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ओपन करोगे तो आपका जो फॉन्ट होगा डायलॉग वगैरह का, फाइल का, रिसोर्स का, टूल्स का,
या प्रोजेक्ट का जो विंडो था, ये देखिए आपका सारा फॉन्ट चेंज हो गया। तो ये जो फॉन्ट हुआ ये हमारे पूरे नेटबीन्स का चेंज हुआ। आप एडिटर का देखिए, एडिटर का फॉन्ट नहीं चेंज हुआ, ये देखिए प्रोजेक्ट का, फाइल का, नेविगेशन सोर्स का फॉन्ट चेंज हो गया। दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पे जो कमांड दिया वो इसकी हेल्प से हुआ है। अगर हम फॉन्ट को नॉर्मल कर देते हैं, देखिए आप यहाँ पे मेरा फॉन्ट साइज 25 है, हम क्या करते हैं इस फॉन्ट साइज को नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल करने पे हम लोग 13 कर देते हैं, फिर अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं और फिर से नेटबीन्स को हम लोग क्या करते हैं रीस्टार्ट करते हैं एक बार। तो हम लोग देख पाएंगे कि जो नेटबीन्स का फॉन्ट साइज है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूँ एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए नेटबीन्स का देखिए फॉन्ट साइज क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, एडिटर का तो डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, फॉन्ट थीम वगैरह ऑप्शन में जाके कलर्स एंड फॉन्ट्स में यहाँ पे जाके एडिटर का आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, बट जो बाकी फॉन्ट्स हैं वो आप जिस तरह मैंने बताया है चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब एक्सटर्नल लुक एंड फील देखते हैं कैसे लगाएंगे नेटबीन्स में। तो हम लोग चलेंगे गूगल पे, कुछ एक्सटर्नल लुक एंड फील्स डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और टाइप करेंगे जे टैटो लाइब्रेरी है, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। और जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे थीम्स आपको दिखेंगे, कुछ थीम्स आपको इधर राइट साइड में दिख रहे हैं। और अगर आपको और भी देखना है तो सैंपल्स में जाके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो सैंपल्स, ये सारे थीम के नाम लिखे हुए हैं। और अगर आप क्या करोगे स्क्रीनशॉट्स देखो, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएंगे। ये देखिए सारे लुक एंड फील के नाम लिखे हुए हैं। दैट मीन्स हम लोग ये सारे लुक एंड फील लगाना देखेंगे, कैसे हम लोग ये सारे लुक एंड फील लगा सकते हैं अपने नेटबीन्स में। इतने सारे लुक एंड फील आप क्या करोगे इस पर क्लिक करके भी देख सकते हो, अच्छा ये कैसे लगाना है ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोनों फाइल डाउनलोड कर लेंगे, जे टैटो 1.6.jar फाइल ये डाउनलोड कर लेंगे और एक डेमो डाउनलोड कर लेंगे। ये डेमो तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैंने ये दोनों फाइल डाउनलोड करके रख लिया है और हम सबसे पहले चलाएंगे जे टैटो डेमो, ये वाली फाइल चलाएंगे और देखेंगे कौन कौन सी, ये देखिए ये थीम है, इस थीम को भी हम लोग नेटबीन्स पे लगा सकते हैं या इस थीम को लगा सकते हैं या इस थीम को लगा सकते हैं। निम्बस वाली थीम ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हो आप, हाई फाई यूज़ कर सकते हो आप, ये सारे थीम्स आप यूज़ कर सकते हो अपने लुक एंड फील में। ल्यूना यूज़ कर सकते हो, ये वाली थीम मैं यूज़ करके रखा हूँ अभी अपने नेटबीन्स में, रखा था थोड़ी देर पहले। तो अब हम ये सारी चीज़ देखते हैं कैसे हम लोग क्या करेंगे सेट करेंगे अपने नेटबीन्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हाई फाई सेट करके। तो हाई फाई का आपका फुल्ली क्वालिफाइड नेम पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये क्लास का नेम है एक्चुअली। तो हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को गूगल पे चलना होगा और यहाँ पे इस हाई फाई थीम का फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम पता करना होगा। तो फ्रेंड्स आप गूगल पे आओगे और टाइप करोगे जे टैटो लुक एंड फील्स ऑल क्लास नेम्स। जैसे ही आप ये टाइप करके सर्च करोगे तो यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी, ये वाली वेबसाइट, और हम इसको ओपन कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट क्लिक करेंगे ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। तो यहाँ पे ये वेबसाइट बहुत यूजफुल वेबसाइट है, ये बेसिकली क्या कर रही है हमें यहाँ पे जो लुक एंड फील है उसकी यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा है और यहाँ पे लुक एंड फील का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो एक्चुअली हम ये पूरा नाम यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट, ये जो लुक एंड फील है इसका नाम दिखा रहा है, इसका फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम दिखा रहा है, दैट मीन्स पैकेज का नाम और क्लास का नाम साथ में दिखा रहा है। इसी तरह जितने भी लुक एंड फील यहाँ पे हम लोग के पास जे टैटो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं वो सारे लुक एंड फील यहाँ पे दिख रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम भी दिख रहा है सारे लुक एंड फील के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा हाई फाई यूज़ करके। तो यहाँ पे जो देखिए हाई फाई लुक एंड फील है इसका फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम हम लोग क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे और हम आएंगे अपने सबलाइन पे जहाँ पे हमने फॉन्ट साइज बढ़ाया था। तो हम लोग क्या करेंगे इसके आगे लगाएंगे डैश सीपी, सीपी मींस क्लास पाथ कोलन पी, और हम यहाँ पे जार फाइल लाइब्रेरी का पाथ दे देंगे। तो बेसिकली हम लोग के पास ये जे टैटो 1.6 इस वाली जार फाइल का पाथ देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरफ क्लिक करेंगे और लगाएंगे बैकस्लैश और यहाँ पे जे टैटो लाइब्रेरी का पाथ हम लोग कॉपी कर लेंगे और अपने सबलाइन में आएंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम कमांड कुछ और टाइप करेंगे, हम क्या टाइप करेंगे डैश डैश लुक एंड फील और अपनी लुक एंड फील का फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और यहाँ से ये वाला क्लास नेम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, ये वाला जो आर्गुमेंट है 25 ये है फॉन्ट साइज, फिर जो ये वाला आर्गुमेंट है ये है हमारा
क्लास पाथ, दैट मीन्स आपको अपनी फाइल क्लास पाथ में सेट कर रही होगी, तभी इस फाइल से क्लासेस जो होंगी यूज़ कर पाएगा नेटबीन्स। और फिर इस वाले एल ए एफ लुक एंड फील आर्गुमेंट में हमें पास करना है लुक एंड फील। अब इसको पूरा कॉपी कर लेना है और हम लोग आएंगे वहीं पे, अपने शॉर्टकट पे राइट क्लिक करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस शॉर्टकट की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को पहले हम हटा देंगे, क्योंकि हम लोग फॉन्ट साइज़ ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो हम लोग जस्ट नेटबीन्स 64.exe के इस बगल में स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद हम अपना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, अपना लुक एंड फील पेस्ट कर देंगे। और एक बार मैं फॉन्ट साइज चेक कर लूँगा कि मेरी फॉन्ट साइज क्या है, तो मेरी फॉन्ट साइज 25 थी, मैं क्या करता हूँ इसको 13 कर देता हूँ, अदरवाइज 25 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं 23 कर दूंगा और फिर अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। और नेटबीन्स को मैं बंद करके एक बार फिर से ओपन करूंगा और देखूंगा क्या हमारा वो हाई फाई लुक एंड फील अप्लाई हुआ है कि नहीं अप्लाई हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लुक एंड फील अप्लाई हो चुका है यहाँ पे, और या ये देखिए पूरी विंडो क्या हो गई आपकी, चेंज हो चुकी है, सारी विंडो चेंज हो चुके हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपने नेटबीन्स के शॉर्टकट पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में और टारगेट में चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए 23 फॉन्ट हो गया था, इसको हम 13 कर देते हैं, तो हम 13 कर देते हैं और फिर अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और नेटबीन्स को फिर से ओपन करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो नेटबीन्स का लुक एंड फील है वो एकदम चेंज हो चुका है और यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो हाई फाई लुक एंड फील। इसी तरह आप कोई भी देखिए यहाँ पे लुक एंड फील पे आप फाइल पे जाओगे तो बता भी रहा है कि आप जेट एटो लाइब्रेरी से इसको यूज़ कर रहे हो। इसी तरह आप कोई भी वहाँ का आप उसको कॉपी करके, जो मैंने अभी वेबसाइट दिखाई थी, इस वेबसाइट से आप कोई भी लुक एंड फील कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको एक लुक एंड फील और दिखा रहा हूँ यूज़ करके, मैं ये वाला ल्यूना लुक एंड फील दिखा रहा हूँ। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं इसका क्लास कॉपी कर लूँगा विद पैकेज और मैं क्या करूँगा, आऊँगा डेस्कटॉप पे, नेटबीन्स को बंद कर देता हूँ, आऊँगा डेस्कटॉप पे, अपने शॉर्टकट पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा और इस बार सिर्फ हम क्लास नाम चेंज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे और फिर से नेटबीन्स को ओपन करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब क्या होगा, फिर से नेटबीन्स का फॉन्ट के साथ साथ थीम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये तो रहा होल लुक एंड, देखिए यहाँ पे सिंपली देखिए सब कुछ चेंज हो गया और सब कुछ चेंज हो गया। लेकिन अगर आपको क्या करना है, एडिटर का फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो आप टूल से डायरेक्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हो आप, इसी लॉजिक से जो मैंने करने को सिखाया है, इसी से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई भी लुक एंड फील यूज़ कर सकते हो, जेट एटो का ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, या आप टाइम टू टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहेगा। क्योंकि जब कोई भी बंदा बहुत बार एक एडिटर पे काम करता है तो ऑब्वियस ही बात है वो उससे बोर हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे थीम्स को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, इवन डार्क थीम यूज़ कर सकते हो, नेटबीन्स में जितने लुक एंड फील ऑलरेडी हैं उसको यूज़ कर सकते हो, या जेट एटो के सारे लुक एंड फील यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोग भी नेटबीन्स के पूरे थीम और फॉन्ट को चेंज कर पाएँ और उसको और भी आसानी से यूज़ कर पाएँ। और बाकी आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करना तो इजी है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।